हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो हमारी रेगुलर वीडियो से थोड़ी अलग है। तो आप में से कुछ लोगों को ये यूजफुल लग सकती है, बट अदर्स मे थिंक कि वेस्टेज ऑफ टाइम था। बट आई थिंक बिकॉज हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फैशन और स्टाइलिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं, कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं, आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करें। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड वी अपलोड वीडियोज डेली, हम रोज वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आए, फॉर दैट मेक श्योर नीचे जो बेल आइकन है आप उस पर भी क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सो लेट्स सी कि हम लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर अच्छा उतरने के लिए किस एक्सटेंट तक चले जाते हैं, एंड इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात करते हैं हम हील्स की। हील्स इज अ फुटवेयर बहुत लंबे टाइम से पहना जाता है। बहुत टाइप्स की हील्स होती हैं, प्लेटफॉर्म हील्स हैं, वेजेस हैं, स्टिलेटोज हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हील्स, डिफरेंट उनकी जो हाइट होती है डिफरेंट टाइप की होती है। आपको छोटी में कंफर्टेबल लगता है वो कैरी करते होंगे, या हम किसी पार्टी या ओकेजन पे लंबी स्टिलेटोज पहनना भी प्रेफर करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली हील्स पहनने से आपकी बॉडी में एक बहुत इंप्रेसिव पॉस्चर ऐड होता है। एंड जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए तो एज अ मैंडेटरी फुटवेयर ही हो जाता है, बिकॉज इट एड्स अ सर्टेन लेंथ टू योर होल अपेयरेंस। तो हील्स, यस, हील्स के बहुत से फायदे हैं, एंड अगर आप उसे पहनते हैं डेफिनेटली यू लुक वेरी मच प्रेजेंटेबल। लेकिन वॉट इफ कि वो आपको इतना ज्यादा हर्ट कर रही हैं कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आप कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, किस काम से हैं, उस पर से सारा ध्यान हट के आपको सिर्फ उस एक्सक्रूशिएटिंग पेन पे चला जाता है जो एक हील्स आपके पैर में क्रिएट करती है। आपका पूरा टो हर्ट हो रहा है बट यू स्टिल वॉकिंग, और वो फेक स्माइल लेके आप पूरी पार्टी में घूम रहे हैं, देन डू यू थिंक इज इट नेसेसरी कि हम हील्स पहन के जाएं? लेट मी टेल यू वन थिंग, आई पर्सनली माई सेल्फ आई लव हील्स। मेरे पास कुछ कलेक्शन है ऑफ लाइक ऑफ प्रीटी मच गुड हील्स। स्टिलेटोज आर माई फेवरेट, स्टिलेटोज मेरी फेवरेट थी एंड स्टिल आई लव वेयरिंग स्टिलेटोज। वेजेस आर सुपर कंफर्टेबल, तो वेजेस भी मेरे पास एक दो है। आई टू हैव सम विंटर बूट्स जिनमें हील्स हैं। सो हील्स आर देयर टू मेक यू लुक रियली रियली गुड। एंड पता नहीं, उसको पहनने के बाद एक सर्टन कॉन्फिडेंस आ जाता था मुझ में दैट आई कहीं पे भी जा रहे हैं, एंड इफ आई नीड एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी तो आई डेफिनेटली जम्प इन टू माई पेयर ऑफ हील्स। बट रिसेंटली एट माई कजन्स वेयरिंग आई रियलाइज कि मैं पूरा टाइम ना आई एम फाइंडिंग अ स्पॉट टू सिट बिकॉज मेरा पूरा पैर हर्ट हो रहा है उस हील्स में। इट्स जस्ट किलिंग माई फीट। और घर आने के बाद भी काफी टाइम तक वो पेन आपके पैर में रहता है। तो उस पूरी पार्टी में, एट अ वेडिंग फंक्शन, जहां पर भी आप पहन के जा रहे हो, अगर उसमें आपने एंजॉय ही नहीं किया, यू आर जस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड यू आर नॉट इवन डांसिंग बिकॉज यू नो व्हाट, पैर बहुत ज्यादा हर्ट करेगा आपका। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेयरिंग सच हील्स, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेयरिंग सच अ फुटवेयर जो आपको जिस ओकेजन के लिए उसे पहन के जा रहे हो वही इंजॉय नहीं करने दे रहा। सो आई फाइनली डिसाइडेड दैट आई शुड जस्ट स्टॉप वेयरिंग हील्स टू सच फंक्शंस। एंड थैंक्स टू द बेस्ट डिजाइनर ऑफ आर कंट्री, सब्यसाची जी, उनका एक कोट था कि कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट दैट समवन इज वेरी वेल ड्रेस्ड एंड समवन इज वेयरिंग अ ब्रांडेड फुटवेयर और अ ब्रांडेड क्लोथ्स दे आर वेयरिंग। नो, इट्स अबाउट अ 5 feet वुमेन जिसकी हाइट छोटी है, शी इज वेयरिंग फ्लैट्स एंड शी इज वॉकिंग इन टू अ पार्टी कॉन्फिडेंटली। शी इज द वन हु इज द रियल स्टाइलिस्ट, शी इज द वन हु इज रियली समवन जिसको सब लोग पार्टी में देखने वाले हैं, बिकॉज शी हैज दिस confidence, that is the most important thing and that attracts everyone's attention. So I thought if he is saying that, kuch to baat hogi is cheez mein ki heels are not important, jitna main use importance de rahi thi utna important nahi hai. Yes, I was giving importance to the heels. Secondly, I loved wearing them, but if it's hurting me, I think use chhodne mein hi behtri hai. So after that, now I have started wearing flats to the weddings also. I'm not a tall person, I'm a short heighted person, so for me किसी वेडिंग में जाना, फर्स्ट टाइम इट वॉज आई थिंक आई नीडेड अ बिट ऑफ करेज फर्स्ट टाइम जाने के लिए कि यार फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग माई टोटल आउटफिट विदाउट हील्स, बट आई जस्ट डिड इट एंड यू नो वॉट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी ने नोटिस नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आस्क्ड मी कि आपने हील्स क्यों नहीं पहनी, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट वी हु थिंक कि नहीं, इस चीज के बिना हमारा चलेगा नहीं, हम अच्छे नहीं दिखेंगे, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उन चीजों के ऊपर। सो नाउ आई वेयर फ्लैट्स टू वेडिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग सब लोग हील्स छोड़ के फ्लैट्स पहनने लग जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स जस्ट दैट अगर कोई चीज आपको हर्ट कर रही है, इफ इट्स नॉट मेकिंग यू फील कंफर्टेबल, तो
तो आप डेफिनेटली अच्छे नहीं लगेंगे, आपके चेहरे पे वो कंफर्ट नहीं रहेगा, आप उतने रिलैक्स्ड नहीं लगेंगे। तो डेफिनेटली आसपास के लोग उस चीज को भांप लेते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल इन समथिंग शी इज वेयरिंग। सो अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज्यादा फिजिकल पेन आपको क्रिएट कर रही है, आपको हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है जिस जगह पे, जिस ओकेजन पे आप हैं उसमें पूरा इन्वॉल्व होने से आपको रोक रही है, देन आई थिंक इट्स बेटर यू जस्ट डिस्कार्ड दैट थिंग। सो आई स्टिल हैव माय हील्स, ऐसा नहीं है मैं उनको कभी नहीं पहनूंगी, मे बी वन डे व्हेन आई फील कि नहीं आज बहुत मूड है हील्स पहन के जाते हैं हम इस पर्टिकुलर पार्टी में, आई विल डू वेयर देम, बट मैंने अब उनको मैंडेटरी नहीं रखा है। इट्स नॉट समथिंग जिस पर मैं डिपेंड करती हूँ कि नहीं मुझे इसके बिना तो चलेगा ही नहीं मेरा, मेरे को हील्स पहननी है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, अगर आपको कोई चीज हर्ट कर रही है प्लीज उसे छोड़ दीजिए। एंड आई थिंक द सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल हेयर वुड बी जो हम बॉडी शेपर्स पहनते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ वुमेन आई हैव सीन जो अपनी बॉडी का जो बाहर का सिल्वेट उसे स्मूथ दिखाने के लिए दे स्टार्ट वेयरिंग दीज टमी टकर्स, या फिर सेम टाइप के टकर्स आपके हिप्स के लिए आते हैं, थाइस के लिए आते हैं, सो दैट वो शेप दिखे, वो ये सब चीजें पहनना शुरू कर देते हैं। देन यू थिंक इज इट अ राइट चॉइस, अगर आप पहन रहे हैं विद योर चॉइस विद योर कम्फर्ट इट्स टोटली फाइन, बट इफ इट्स समथिंग जो आप फोर्सफुली पहन रहे हैं सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे अच्छा उतरने के लिए, देन प्लीज डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट, उसमें आप खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, देन आई डोंट थिंक हम किसको इम्प्रेस करने के लिए सब पहन रहे हैं। जब हम इन सब चीजों को निकाल देते हैं ना अपने स्टाइल और फैशन में से जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, देन वी एक्चुअली स्टार्ट बींग आर सेल्व्स, देन यू विल नो कि हाँ वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, इन दैट पर्टिकुलर ओकेजन। अगर मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ और मैंने एक टमी टकर पहन लिया विच इज लाइक लिटरली कॉजिंग मी पेन, तो मैं उस प्रेजेंटेशन में डू यू थिंक आई विल बी एबल टू टॉक लाइक आई एम टॉकिंग राइट नाउ? राइट नाउ आई एम सुपर कंफर्टेबल, वाई? बिकॉज ऑफ द थिंग्स आई एम वेयरिंग, बिकॉज ऑफ द वे आई एम ड्रेस्ड अप। अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल ऑन दिस चैनल सेज अ डिजाइनर डजंट लुक लाइक दिस, डिजाइनर्स को ऐसा नहीं दिखना चाहिए, दे शुड लुक लाइक समथिंग यू नो डिफरेंट, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पहन के आओ, यू शुड शो ऑल योर स्किल्स ऑन वॉट यू आर वेयरिंग, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई चीज कॉन्फिडेंस नहीं फील करवाती, आई डू नॉट पर्सनली फील कॉन्फिडेंट इन समथिंग दैट इज बॉडी फिट, दैट्स हगिंग मी एनी वेयर, दैट्स वाई आई एम समवन जो कंफर्टेबल फिट या फिर लूज फिट कपड़े पहनते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम कपड़ों की बात करें, आई थिंक आफ्टर टमी टकर्स, आफ्टर हील्स, आई थिंक द थर्ड थिंग दैट इज अ प्रॉब्लम टू अ लॉट ऑफ अस बट हम उसे रियलाइज नहीं करते आर द फैब्रिक्स वी वेयर। बहुत से लोगों को सिंथेटिक फैब्रिक सूट नहीं करते एंड वी डू नॉट नो दैट, हम अनोइंगली स्टिल उनको पहन रहे हैं, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो यहाँ पे आई एम नॉट विलेनाइजिंग सिंथेटिक फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक्स में कुछ क्वालिटीज होती हैं जो नेचुरल फैब्रिक से अलग होती हैं, उनसे थोड़ा सा ऊपर लेके आती है सिंथेटिक फैब्रिक्स को इन अ लॉट ऑफ केसेस, लाइक उसकी जो सिंथेटिक फैब्रिक्स के जो कलर्स हैं दे नेवर ब्लीड, वो जैसे हैं वो एज इट इज रहते हैं, तो आप उसे अब पहनो या एक महीने बाद पहनो आफ्टर मल्टीपल वॉशेज वो एक ही जैसा दिखेगा। वेयर एज अगर हम एक नेचुरल डाइड वेजिटेबल डाइड फैब्रिक को यूज करते हैं, उसे मल्टीपल वॉशेज देते हैं, उसका कलर ब्लीड करता है, यस देन हेयर आई थिंक सिंथेटिक्स आर बेस्ट, अगर हम इस चीज को कंसिडर करेंगे। सेकेंडली प्योर सिंथेटिक्स आर रियली चीप, बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं, वेयर एज नेचुरल फैब्रिक्स जो है बिकॉज उसको बनाने का प्रोसेस इतना ज्यादा टीडियस होता है कि उसकी कॉस्टिंग उससे ज्यादा पड़ती है, तो एक ऐसा कपड़ा जो सस्ता भी है, लंबे टाइम तक भी चलेगा, फटता भी कम है, ऑब्वियसली दैट इज द बेस्ट वन, राइट? बट आई एम नॉट सेइंग हियर, प्लीज इस चीज को मत सोचिएगा कि नेचुरल वाले जो है वो खराब है, आई पर्सनली प्रेफर नेचुरल फैब्रिक्स एंड दैट्स द ओनली थिंग आई रिकमेंड टू माई क्लाइंट्स ऑल्सो, कि जितना हो सके आप लोग नेचुरल फैब्रिक्स को ही पहने। एंड नाउ आई विल टेल यू व्हाई, थ्रू आउट माई लाइफ आई नेवर हैड स्वेटिंग इश्यूज, सो आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल इन ऑल टाइप ऑफ फैब्रिक्स जो भी मैं पहनती थी, बट आफ्टर यू नो इन लास्ट फ्यू ईयर्स आई नोटिस दैट आई स्टार्ट स्वेटिंग, एंड स्वेटिंग भी इस तरीके से कि सर्दियों में भी आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार कुछ तो स्वेटिंग हो रहा है, एंड यू नो यहाँ पे नॉर्थ में सर्दी ठीक ठाक पड़ती है, सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो समटाइम्स आई फील दैट येस आई एम स्वेटिंग समवेयर, आर्मपिट्स में स्वेटिंग हो रही है, अंडर आर्म्स में यू आर स्वेटिंग, देन स्लोली एंड स्लोली आई रियलाइज दीज वर द फैब्रिक्स जो मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहे थे, ऑल दीज सिंथेटिक फैब्रिक्स दैट आई वॉज वेयरिंग वर नॉट गोइंग वेल विद माई बॉडी, मेरी बॉडी अब उसे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, दैट्स वाई आई वॉज स्वेटिंग अ लॉट। और जब आपकी बॉडी ऐसा कुछ रिएक्शन किसी चीज के अगेंस्ट देना शुरू करती है, यू नो कि वो चीज आपके लिए अब हेल्दी नहीं रही है, देन ऐसा इंस्टेंटली यू नो स्विच्ड टू नेचुरल फैब्रिक्स, कॉटन्स आर द वंस जो मैं पहनती हूँ, इफ आई एम गोइंग टू अ वेडिंग और समथिंग लाइक दैट आई विल वेयर गो विद सिल्क्स और अगेन विद कॉटन्स ओनली। कॉटन को ना बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि वो एक
ऐसा फैब्रिक है जो शायद शादियों के लिए या ऐसे पार्टीज के लिए बेस्ट नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इट्स द डिजाइन दैट मैटर्स, इट्स द वे यू कैरी इट दैट मैटर्स. और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग कॉटन्स टू वेडिंग्स एंड पार्टीज एज वेल. और अगर आपको यहाँ पे कुछ फैब्रिक्स भी पहने हैं, जॉर्जेट्स यू वांट टू वेयर, तो प्योर जॉर्जेट्स आप पहन सकते हैं. प्योर जॉर्जेट, प्योर शिफॉन, प्योर क्रेप्स, इन सबका बेस सिल्क रहता है, विच इज अ नेचुरल फाइबर अगेन, सो यू कैन वेयर इट. सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट आई डिड यू नो डिफरेंटली एंड दैट आई चेंज्ड इन माई वार्डरोब बेसिकली, था कि मैंने फैब्रिक्स चेंज कर दिए. नाउ आई फील सुपर कंफर्टेबल इन व्हाट आई वेयर. सो प्लीज आप ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ या फिर जो आपके आसपास के लोग पहन रहे हैं या आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो सिखाया जा रहा है, उन सब चीजों को एक बार साइड पे रख के ये देखिए कि जो आप अपने साथ कर रहे हैं, आर दीज थिंग्स मेकिंग यू फील कंफर्टेबल. अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ हार्म नहीं है, प्लीज छोड़ दीजिए उस चीज को करना. आपको कॉटन में ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, स्टार्ट वेयरिंग कॉटन टू एवरी प्लेस यू गो. बोलने दो जिसको जो बोलना. आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, यू हैव दिस सर्टन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कहेंगे आपको, यार पार्टी पे तो कुछ अच्छा पहन के आ जाती, देयर इज नॉट इवन अ शाइन इन दिस, व्हाई आर यू वेयरिंग समथिंग सो डल, व्हाई आर यू, यू नो ऑल दोस थिंग्स. सो आपको उन सब चीजों के लिए अपने जो दिमाग के शटर है वो बंद करने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट मेक्स यू फील कंफर्टेबल. ऑन सिमिलर ग्राउंड्स देयर इज वन मोर थिंग विच आई थिंक इज नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर यू, बट अगर आप बाय चॉइस करें दैट्स टोटली फाइन. बट अगर इन सब चीजों को आप फोर्सफुली कर रहे हैं जस्ट टू मीट अप द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, देन इट्स रॉन्ग. एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज कि जो हेयर रिमूवल टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वैक्सिंग यू डू, थ्रेडिंग आपकी आईब्रोज के ऊपर यू डू दैट, सो इट इज वेरी पेनफुल. आप एक भी बाल को इस तरीके से प्लक करेंगे, इट्स वेरी पेनफुल. जस्ट इमेजिन वो पूरे आईब्रो के आसपास द पर्सन इज जस्ट प्लकिंग ऑल योर हेयर्स, और वो आपके लिए कितना पेनफुल होगा. अ लॉट ऑफ वुमेन, मैक्सिमम वुमेन, उनको इस चीज का मे बी आदत हो जाती है, मे बी दे आर रेडी टू बेयर ऑल दैट पेन जस्ट बिकॉज उनको वो शेप्ड आईब्रोज चाहिए होती है, देन इट्स टोटली फाइन अगर आपको सही लगता. बट इफ यू आर समवन लाइक मी जिसको पूरा आईब्रो पे थ्रेडिंग करवाते टाइम एक पॉइंट पे आके आई जस्ट गेव अप, आई वॉज जस्ट नॉट रेडी कि वो कंप्लीट करें मेरी पूरी आईब्रो को शेप अप करने के लिए, बिकॉज वो इतना ज्यादा पेनफुल होता जा रहा था. आई डोंट नो, पहले से हम करवा रहे थे तब नहीं था, बट इन रीसेंट फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड फीलिंग कि इट्स वेरी हर्टिंग, आई कांट डू दिस एनीमोर, आई कांट टेक इट. आफ्टर दैट मैंने बंद करवा दिया. अब मैं थ्रेडिंग वाला टेक्निक नहीं यूज करती टू शेप माई आईब्रोज, एंड आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद भी मुझे किसी ने ऐसा कहा होगा कि पहले तुम्हारे आईब्रो का शेप इस तरीके का होता था, अब इस तरीके का होगा, यू शुड गेट दिस डन, बिकॉज नोबडी केयर्स. किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके आईब्रो का शेप कैसा है. ग्रूम्ड दिखना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ग्रूमिंग के लिए खुद को टॉर्चर करना इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. ऑल आई डू नाउ इज कि जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं मैं उनको सिंपली सीजर्स के साथ रिमूव कर देती हूँ, एंड मे बी अ लिटिल बिट ऑफ प्लकिंग हेयर एंड देयर, बट आई डोंट डू दैट. प्लकिंग भी मैंने बंद कर दिया, आई जस्ट यूज सीजर्स टू रिमूव द एक्स्ट्रा हेयर्स जो ऊपर नीचे आ जाते हैं, और अगर बीच में गैप्स हैं तो उनको आप सिंपली आईब्रो पेंसिल से यू कैन फिल दैट अप. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू शेप अप योर आईब्रोज. एंड ऑन रेगुलर बेसिस आई डोंट डू एनीथिंग टू शेप माई आईब्रोज, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं. पार्टीज या फिर ओकेजन्स पे जाने के लिए येस आई डू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिमिंग, वो भी सीजर्स के साथ माई सेल्फ, एंड इट्स जस्ट फाइन विद मी. सही से चल रहा है मेरे साथ, कुछ चेंज नहीं हुआ मेरी लाइफ में. द ओनली थिंग दैट चेंज्ड इज अ थिंग जिसने थोड़ा सा और बेटर बना दिया मेरी लाइफ को, वो ये है कि हर 15-20 दिन में मुझे जाके वो दर्द नहीं सहना पड़ता. सो दैट्स योर पर्सनल चॉइस. आई एम नॉट सेइंग जो कर रहे हैं वो गलत है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट देम, इट्स अ पर्सनल चॉइस इंटायरली. बट अगर आपको वो चीज टॉर्चर कर रही है, स्टॉप डूइंग दैट. किसी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप टमी टकर्स नहीं पहनते, अगर आप हील्स नहीं पहनते, अगर आपने आपकी आईब्रोज एकदम पॉइंटेड नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. अगर आपने एक डिफरेंट टाइप का फैब्रिक पहना है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. सो आफ्टर दिस वीडियो प्लीज थिंक. आई थिंक मैंने इसमें सारी चीजों को लिस्ट नहीं किया है, दीज वर समथिंग जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, एंड आई थॉट शेयरिंग इट विद यू, बिकॉज काफी क्लाइंट्स को मिलने के बाद जब हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, यू गेट टू नो दैट हाँ, लोग काफी बर्डन लेके चलते हैं खुद पे अच्छा दिखने के लिए, विच इज नॉट नेसेसरी, इट्स एन अननेसेसरी बर्डन. सो प्लीज बैठ के सोचिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए. एटलीस्ट फैशन और स्टाइलिंग के नाम पे खुद को टॉर्चर करना प्लीज बंद कीजिए. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो सेलिब्रिटीज हील्स पहनते हैं ना थ्रू आउट 24/7, आप उनको हील्स में देखते हैं, दे यूज दिस नमिंग क्रीम. एक क्रीम आती है जो उनके पैरों में जो दर्द है उसको कुछ घंटों के लिए सुन कर देती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि उनको वो फील नहीं होता है. सो यू नो क्यों खुद को इतना टॉर्चर करना है यार, दे आर इन दिस फील्ड जहां पे उनको 24/7 ग्लैमरस दिखना पड़ता है.
इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट हम लोग उस फील्ड से नहीं है. सो व्हाई वी नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स विद अस. सो प्लीज कोई भी चीज जो आपको हर्ट कर रही है उसे करना बंद कीजिए, कंफर्टेबल रहना सीखिए. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप जो फैशन और स्टाइलिंग की तरफ आप लेंगे, फर्स्ट राइट स्टेप जो आप लेंगे टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ, टुवर्ड्स अ हैप्पी लाइफ एंड टुवर्ड्स अ लाइफ दैट्स, ट्रस्ट मी, फिल्ड विद स्टाइल. स्टाइल कभी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कंफर्टेबल नहीं है. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. और हम हर रोज नई वीडियोज अपलोड करते हैं सो दैट कि आप मिस ना करें हमारे किसी भी वीडियो को. मेक श्योर नीचे जो बेल आइकन है आप उस पर भी क्लिक करें. थैंक यू सो मच.